आज हमारे पास जो भी पुराने कपड़े हैं, बचे खुचे हुए कपड़े हैं, उनमें से हम बनाएंगे एक सुंदर सा डोरमेट। तो यहाँ पे मैं ली हूँ कुछ कपड़े जो मेरे पास थोड़े थोड़े बच गए थे उनको, और साथ में हम यूज करेंगे फोम। ये फोम भी मेरे पास बचे हुए थे उनको, और नीचे लगाने के लिए कोई भी कपड़ा ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं अभी अस्तर जो भी है उसको ले रही हूँ, और अभी हम कपड़ा भी मैं यहाँ पे काट चुकी हूँ। तो ये इसकी जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 3 इंच, और लंबाई को आप जितना बड़ा चाहें उतना ले सकते हैं, आपका कपड़ा जितना है उतना। बाद में हम इसे छोटे छोटे पीस में काट लेंगे, या आप चाहें तो इसे बड़ा पीस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 इंच की जो कपड़ा है उसे, 3 इंच की चौड़ाई का जो कपड़ा है उसे मैं फोम के ऊपर में रख रही हूँ, और फोम के नीचे डालने के लिए यहाँ पे मैं एक कॉटन की साड़ी जो है उसका यूज करूँगी इस तरह से। और इसके चारों साइड में हम सिलाई कर देंगे, और बीच बीच में सिलाई कर देंगे ताकि ये अच्छे से फोम जो है वो बाद में फटे नहीं इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे मैं दूसरे कपड़ों को भी काट के छोटे छोटे पीस में भी काट चुकी हूँ, तो इसकी चौड़ाई 3 इंच ही रहेगी। तो देखिए बहुत सारे कपड़े को मैं यहाँ पे सिलाई कर चुकी हूँ, और इसमें लगाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी राइस बैग की। तो ये हम यहाँ पे राइस बैग ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे राइस बैग की लंबाई जो है वो 31 इंच रखी हूँ, और इसकी चौड़ाई 22 इंच। आप इसे चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे हमने सिलाई किए थे तो वो जो भी लंबा लंबा पीस है उसे मैं छोटे छोटे पीस में काट लूँगी। मुझे यहाँ पे छोटे छोटे पीस में इसको जोड़ना है, इसीलिए मैं जिस साइज़ में हमें चाहिए छोटा या बड़ा उसी साइज़ में आप काट लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो ये छोटे छोटे जो पीस है उनको मैं यहाँ पे जोड़ लूँगी आपस में। यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे, सिंपल सी एक सीधी सी सिलाई, और उसके बाद इस साइड में एक सिलाई लगा लूँगी ऐसे, और सिलाई इसी तरह से बाकी कपड़ों को भी जोड़ लेने के बाद हम इसमें राइस बैग में इसकी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई कर चुकी हूँ, अब इसमें हम राइस बैग में सिलाई करेंगे। तो राइस बैग में सिंपल से सिलाई लगाना है दोनों साइड में इसके। और एक पट्टी को जोड़ लेने के बाद हम दूसरे पट्टी को इसके साइड में जस्ट पास में ही रख के हम सिलाई करेंगे। इसके ऊपर सिलाई नहीं करेंगे क्योंकि मैं इसके बीच में एक कपड़ा जो है उसको ऐड करने वाली हूँ, बीच में पाइपिंग जैसे लगाऊंगी, इसीलिए इस कपड़े वाले को एकदम पास में सिलाई करती हूँ दोनों साइड से। और फिर तीसरे कपड़े को भी ले लेना है और इसी के पास में ही सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हम पूरे राइस बैग में हम सिलाई कर लेंगे, और इसके अंदर में स्पॉन्ज हमने डाला है तो ये बहुत ही मोटा भी रहेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे मैंने पूरी सिलाई राइस बैग से पूरी सिलाई कर लिए हैं, और जो बीच का हिस्सा है दोनों हम सिलाई किए हैं, तो बीच में जो कतरन जैसे बच गया है उसको उसके बीच में हम ये जो कपड़ा है इसे हम लगाएंगे। तो इस कपड़े को दोनों साइड से फोल्ड कर लेना है, और इस तरह से इसमें भी सिंपल सी सिलाई लगा लेना है दोनों साइड में।
तो अभी हमने इसे जैसे सिलाई किए हैं दोनों साइड में फोल्ड करते हुए, उसी तरह से बाकी जितने भी हमने यहाँ पे जो भी हमारा बचा है उसमें हम सिलाई कर देंगे, और इसके चारों साइड में हम पाइपिंग भी लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बीच में इसके सिलाई लगा चुकी हूँ, और साइड में जो पाइपिंग लगाना था हमें उस पाइपिंग को भी मैं यहाँ पे लगा चुकी हूँ। तो ये हमारा डोरमेट जो है ये बनकर रेडी है, और बनने के बाद देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। तो बाहर दरवाजे के पास मैं इसको रख रही हूँ, तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।